सागर की ऐतिहासिक धरोहर लाखा बंजारा के बलिदान का प्रतीक सागर झील के पुनरुद्धार के कार्य के तहत स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य शुरू किया गया। शुरुआती दौर में तो जमकर झील के कार्य में गति देखी गई, पर समय के साथ इसका काम सुस्त पड़ गया और आज महज कॉरिडोर का काम ही तालाब में तेजी से चल रहा। इसके अतिरिक्त घाटों के कायाकल्प, झील के आसपास सुंदर स्वरूप देने को लेकर कोई कवायद नहीं हो रही। जो काम हो रहा है उसमें भी गुणवत्ता की कमी साफ देखी जा सकती है। झील की दुर्दशा साफ बयां कर रही है कि इसके कायाकल्प किस तरह हो रहा है। जहां जलकुंभी की चपेट में है पूरा क्षेत्र, अतिक्रमण भी जस का तस बना है। तालाब के सुंदर स्वरूप का जो सपना दिखाया जा रहा था उसको लेकर अब आम शहरी भी सवाल खड़े कर रहे हैं और झील के पुनरुद्धार के नाम पर हुए भ्रष्टाचार पर खूब शासन प्रशासन और जिम्मेदार नुमाइंदों को खरी खोटी सुना रहे हैं। झील की स्थिति को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले राजनीतिक संगठन भी झील की वास्तविक स्थिति पर मौन बने तमाशा देख रहे हैं। ऐसे में इस झील का अस्तित्व पूरी तरह खत्म होने की दहलीज पर पहुंच गया है, जिस पर आम शहरी के मन में आक्रोश पनप रहा है। तो बोले क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार साहू है। ये जो आज ये लाखा बंजारा है, ये आपने कब देखा है और क्या नजारा रहा कला का? इसमें हमने अपने जन्म बचपन से देखा है और यहाँ पर हम नहाने धोने के लिए आते थे। हमारे पिताजी और दादा परदादा सब लोग यहाँ पे, बहुत पुराना लाखा बंजारा झील है और इसमें सुना है पिताजी और दादा बता दी थी कि इसमें इसके पानी से जो अपनी तुअर दाल राहर की दाल है उसको इस पानी से साफ किया जाता था और पीने योग्य पानी यहाँ पर। अब ये लाखा बंजारा झील की दशा जो हुई है इसमें क्या दिख रहा है कि जो ये कॉरिडोर बन रहा है, ये जो ब्रिज निकाला जा रहा है, इससे राहत कितनी राहत मिलेगी आम जनता के लिए और क्या रहेगा तालाब का? तालाब का स्मार्ट सिटी अपने हिसाब से कार्य कर रही है, शासन अपने हिसाब से अनुदान दे रहा है। अब स्मार्ट सिटी अपने हिसाब से काम कर रही है तो वो अपनी सुविधाएं जैसी जैसी जुटाती है, जैसी जैसी व्यवस्था उसको लाभ होगा वो अपने हिसाब से करती है। अब बरसात आती है या गर्मी आती है तो प्रशासन या नगर निगम स्मार्ट सिटी अपनी नालियाँ, अन्य निर्माण और रोड का काम भी गतिशील तो है, चल रहा है, बढ़िया है। नहीं तो परंतु तालाब का जो काम है वो चल तो रहा है परंतु वो अपने स्मार्ट सिटी अपने हिसाब से चला रही है। नहीं तो जो तालाब की जो गहरीकरण हुआ था, 6 फीट सिल्ट निकाली गई थी, अगर सिल्ट निकाली गई होती तो जलकुंभी कहाँ से आ गई तालाब में? जलकुंभी और सलाड जो निकाला है, उनने जो मलमा निकाला है वो कुछ हद तक जहाँ जहाँ उनको जगह बनाना थी, रोड और प्लाट डालना है, वहाँ वहाँ तो उनने खोद लिया और निकाल लिया। अब रातों रात निकाली है और जहाँ जहाँ नहीं निकाली उनने साइड कर दी, तो ज़मीन में जो पुरानी डस्ट और जो मलमा रहेगा तो उसमें तो जलकुंभी आएगी, पानी पड़ेगा वो तो आएगी। तो आप नगर में रहती हैं, सागर शहर में रहती हैं, तो आपको लग रहा है कि तालाब में काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ है और समय समय से स्मार्ट सिटी अपने हिसाब से काम करती है। और कि जो लाखा बंजारा झील थी सागर की शान कही जाने वाली, पूर्व में कैसी थी और आज कैसी है? क्योंकि पूर्व में देखा वो उसमें भी दुर्दशा थी उसकी, लेकिन अभी जो कायाकल्प का काम चल रहा है तो अभी तो अपन ये मान सकते हैं कि कायाकल्प का काम चल रहा है। उसके बाद में भी इसकी व्यक्त होती है तो बढ़िया है, लेकिन जो काम को देखते हुए काम अच्छा ही होगा। नहीं भाई साहब, एक चीज़ और देखने में आ रही है, अगर आप अच्छी की बात कर रहे हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर कुछ समय पहले आपने भी पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि स्मार्ट सिटी ने काम किया है, सिल्ट अलग की थी, 6 फीट सिल्ट अलग की हुई है, तो अगर 6 फीट सिल्ट अलग हुई है तो ये हरा पन कहाँ से आ गया, हरियाली कहाँ से आ गई? वो समझ में नहीं आया सर, सिल्ट जो थी अलग हुई थी लेकिन ज्यों की तो दिख रही है, सिल्ट कितनी कहाँ अलग हुई कहाँ पुकी उसको अंतर रहे, लेकिन उसमें सिल्ट जो भी तो दिख रही है काम में उसको समझ में नहीं। तो आपको लग रहा है कि तालाब में खुदाई हुई है कि काम हुआ है, ये पूछना चाह रहे हैं हम। खुदाई हुई है वो दिखावटी हुई है, पहले खोद के ढेर लगाए गए थे और फिर उसको प्लेन कर दिया गया, उसी में फैला दी गई है। तो आने वाले समय में ये लाखा बंजारा जो झील का नाम था वो अच्छे से मिलेगा कि किस तरह मिलेगा, ये आप बता सकते हैं आने वाली जनता के लिए?
आने वाले समय में इलाका बन जा रहा है। जब इसका भरा होगा तब मालूम पड़ेगा कि क्या वास्तविक स्वरूप ले पाई या नहीं ले पाई, अभी नहीं कह सकते। नहीं तो जो इतना बजट आया हुआ था तो उस बजट में लग रहा है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए फ्लाईओवर बना रहे हैं तो ये तो लग रहा है कि काम हुआ है, लेकिन इसकी सिल्ट निकालने वाला जो मैटर है वो नहीं लग रहा कि इसमें सिल्ट निकाली गई, वो सिर्फ दीपा पोती टाइप का काम हुआ है। यानी यहाँ की जो नगर सरकार थी, नगर सरकार आपने चुनी है, तो आपको लग रहा है कि वो यहाँ पर निरीक्षण करने आ रही हैं क्या, वो स्मार्ट सिटी में जा रही हैं, काम कर रही हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपके लिए? तालाब के मामले में नहीं लग रहा है। हिमांशी लालिया है। कहाँ की निवासी हैं? हम हैं मोदी नगर बड़े बाजार की निवासी हैं। तो आपने लाखा बंजारा झील को तो देखा होगा, पहले कैसी थी और अब कैसी है? जी जैसे कि आज से 3 साल पहले हम लाखा बंजारा झील की बात करते हैं तो इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बहुत ठंडाहट महसूस होती थी, और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये काम चल रहा है, पानी पूरा खाली कर दिया गया है और यहाँ पर ये मतलब हरियाली उगाई है। और अभी शिवराज सिंह चौहान आए थे गौर जयंती के समय पर, तो ये रेलिंग जो दिख रही है पीछे, इस रेलिंग के लिए छुपा दिया गया था, फ्लैश लगे हुए थे उसमें, और अब फिर से निकाल दिया गया है, फ्लैश निकल गए हैं, और ये काम बहुत थोड़ा धीमा चल रहा है हालांकि मेरे अनुसार, और काम तो वैसे चल रहा है। अभी ये पुल बन रहा है यहाँ पर, ट्रैफिक से मतलब फ़ायदा मिलेगा लोगों के लिए, राहत मिलेगी, और ट्रैफिक यहाँ पर बहुत जाम लग जाता है, ट्रैफिक लग जाता है, तो यहाँ से ये रास्ता शॉर्टकट बना दिया जा रहा है, तो इससे लोगों के लिए ये राहत मिलेगी, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं लगेगा ज़्यादा से। नहीं, मेरी एक बात और आपसे पूछना है कि अगर तालाब में खुदाई हुई है, 6 फुट अगर खुदाई की गई है, तो ये सिल्ट कहाँ से आ गई है? आप जलकुंभी देख रहे हैं जो हरियाली की बात कर रहे थे आप, तो हरियाली कहाँ से आ गई है? तो तालाब में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे अनुसार तालाब में जो है कि खुदाई तो मुश्किल लग रही है, थोड़ी बहुत हुई भी होगी, जहाँ काम चल रहा है वहाँ खुदाई हुई है, और यहाँ का तो सफाई बस देखा मैंने कि सफाई हो रही थी यहाँ पर, ये जलकुंभी जो आ गई यहाँ पर ये सफाई बस हुई है, यहाँ खुदाई मुश्किल लग रहा है मेरे को। और उस साइड देखा जाए तो पानी भरा हुआ है, वहाँ पर खुदाई निश्चित है कि वहाँ हुई है और हो भी रही है अभी, और सफाई चल रही है, काम भी चल रहा है वहाँ पर। तो पहले का तालाब अच्छा था कि आने वाले समय में तालाब अच्छा मिलेगा? मेरे अनुसार आने वाले समय में देर लगेगी, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि प्रशासन का काम है, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्मार्ट सिटी का काम अच्छा रहेगा। और पहले तो मतलब था, अच्छा था, लेकिन पुराने समय से बनाया गया था, पुराने तरीके से बनाया था, अब जो अभी इसका निर्माण हो रहा है स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के लिए दिया गया है, तो और अच्छे तरीके से होगा। नहीं तो एक चीज़ और पूछने में आ रही है कि लाखा बंजारा का जो नाम था अस्तित्व था जी, तो कहीं से आपको लग रहा है कि खत्म हो रहा है कि वो आगे चल रहा है? देखिए हमने इतिहास में पढ़ा है कि लाखा बंजारा एक बंजारी जनजाति समूह के एक राजा थे, उनके नाम पर ही इसका नाम लाखा बंजारा झील पड़ा, और ये सागर के बीचों बीच स्थित है, और ये मतलब झील के आकार में है, और ये शहर के लिए बहुत ठंडाहट और पानी आने के लिए बहुत मतलब लाभकारी है, और यहाँ पर मतलब माहौल अच्छा बना रहता है, थोड़ा घूमने के लिए टहलने के लिए लोग आते हैं, और सागर शहर की ये शान एक प्रकार से बोला जाए। तो शान बची है सागर में कि नहीं बची है? अभी क्योंकि काम चल रहा है अभी कि नहीं कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित है कि शान में 4 चांद और लग जाएंगे और अच्छा यहाँ का नज़ारा हो जाएगा। जी बताएं क्या नाम है आपका? अनिल रजक। क्या काम करते हैं आप? कपड़े धोने का काम। ये जो लाखा बंजारा झील है ये आपने कब से देखी और किस तरीके की थी? ये बड़ा था तालाब, अब ये चारों साइड रिंग रोड बना दिया है तो कम बचा है ये तालाब, ऊपर से ये बाउंड्री वाल जो आप देख रहे हैं ये भी कच्ची बनी हुई है, आप उसका मुआयना कर सकते हैं, और अब वैसे भी बहुत ही कम बचा है। तो पूर्व से तालाब क्या छोटा हो गया है क्या? हाँ हो गया है, छोटा हो गया। क्या कारण है कि ये छोटा होने का? सब स्मार्ट सिटी का कारण हैगा, स्मार्ट सिटी वाले जो कर रहे हैं वो छोटा ही कर रहे हैं। तो पूर्व में ऐसी बातें उकड़ के आई थी कि यहाँ पर कुछ लोगों का कब्जा है, अवैध कब्जा, आपके पीछे दिख रहा है, आप देख सकते हैं, तो क्या उस कारण इसको छोटा किया गया है क्या? अब ये तो शासन को ही मालूम होगा कि भाई शासन ने कुछ ना कुछ वजह से अब जैसा भी हो तो वो शासन के अंडर में है। जो अभी जो गुणवत्ता का काम हो रहा है आप देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी काम कर रही है, तो किस तरीके की काम कर रही है, गुणवत्ता कितनी है इसमें तालाब के में? इसमें अभी तो मेन तो यही चल रहा है काम, और तो आप काम देख ही रहे होगी कि काम कैसा हैगा, भाई कोई कहीं पे भी कुछ भी डला है, कुछ कहीं पे भी ये सब चीजें आप खुद देख रहे हो। तो ये जो गुणवत्ता की बात की जा रही है, जो अभी आपने बाउंड्री वाली की बात कर रहा है, तो उसमें कैसी है बाउंड्री वाल? कच्ची है की बाउंड्री वाल, आप खुद देख सकते हैं। तो कभी ना कभी हादसा हो सकता है आने वाले समय में? आने वाले समय में। तो अभी आप क्या काम करते हैं? अभी तो हम इधर ही रहेंगे, काम करते नहीं, क्या काम करते हैं? तो अब आने वाले समय में आप लोग कहाँ जाएंगे कपड़े धोने? आने वाले समय में देखते हैं शासन जहाँ देगा जगह उधर जाएंगे। तो आप लोगों की कितनी जनसंख्या है यहाँ पर? अभी करीब 100-200 के करीब है इधर यहाँ पर आप लोगों के, रजक समाज के जी, जो कपड़े धोने का काम करते हैं। तो क्या शासन ने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है यहाँ पर कि आप लोग कपड़े धो सकते? अभी तो इधर कोई व्यवस्था नहीं बनाई है शासन ने, अभी तो ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कोई सब वो नहीं। एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं,
अभी आप तालाब के चारों तरफ देख रहे हैं हरियाली हरियाली है, और आने वाले समय में आपने भी सुना होगा पेपर के माध्यम से चैनल के माध्यम से कि यहाँ से खुदाई हुई है तालाब की, तो आपको लग रहा है कि तालाब में खुदाई हुई है क्या? नहीं, खुदाई तो उस साइड हुई है, लेकिन ये जलकुंभी का जो हैगा ये पानी भरा हुआ है, तो ये तो जब तक ये पूरा लेवल नहीं होगा जब तक तो ये ऐसा ही होती रहेगी, क्योंकि अभी जो साफ हुआ था मुख्यमंत्री जी आए थे सागर में उस समय मशीन ने साफ किया था, लेकिन वो करीब 4-5 महीने बाद में फिर ये जो अच्छा सीएम आते हैं तो तला की सफाई हो जाती है, उसके बाद सफाई नहीं होती। जी। आपका कहना ये है क्या? नहीं, वो तो आया थे सीएम तो जब तो मशीन चली है पूरे, उसके बाद मशीन भी गोल हो गई। अच्छा, तो स्मार्ट सिटी जो काम कर रही है तो लीपापोती का काम कर रही है आपके हिसाब से? वो अपने हिसाब से कर रही है। सागर में 3-3 मंत्री हैं, क्या उनकी नजर नहीं आती एक बार तालाब? तो मंत्री तो ठीक है, अब जब स्मार्ट सिटी का सीईओ ही को देखना चाहिए ना।